अरवल जिले के करपी प्रखंड के खजरी पंचायत के रामापुर गांव में नवसर्जित विद्यालय चल रहा था, जो एक सामुदायिक भवन में चलाया जा रहा था। ये विद्यालय लगभग 6 सालों से इसी भवन में चल रहा था, मगर भवन न रहने के कारण इस विद्यालय को बगल के गांव के खजरी के मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया, जिसका सबसे बुरा प्रभाव इस गांव में पढ़ने वाले बच्चों को पड़ा। जब ये विद्यालय गांव में चल रहा था, उस समय बच्चों की उपस्थिति लगभग 200 से 250 पर डे रहती थी, मगर जब से ये विद्यालय खजरी के मध्य विद्यालय में शिफ्ट हुआ, उसी दिन से बच्चों की उपस्थिति धीरे धीरे घटती चली गई। और आज का आलम यह है कि इस विद्यालय में बच्चों की कुल उपस्थिति पर डे 80 से 100 के बीच ही रहती है। यहाँ के लगभग 100 से 150 बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल छूट गई। पढ़ना जाते हैं ना? जाने में क्या क्या दिक्कत होती है आपको? सर, इतना दूर जाने में गोड़ दुखाता है सर। अब कभी कभी नहीं पहुँच पाता सर, लेट हो जाता है इतना दूर में जाने में, यही दिक्कत है। हाजिरी छूटती है क्या? हाँ सर, कभी कभी हाजिरी छूट जाती है सर, देर से पहुँच पाता। चाहते कहो कहाँ विद्यालय हो? सर रामपुर में हो जाए। क्या समस्या है यहाँ पे? स्कूल का समस्या है सर। तो यहाँ पे स्कूल था पहले? पहले था ना सर। तो अभी स्कूल कहाँ है वो? खजरी में। तो यहाँ से स्कूल खजरी क्यों गया? अथी लैकन के तनी अथी से गया, ये सड़क पर है स्कूल, तो तनी कुछ दिन वहाँ पढ़ाएंगे तो यहाँ बन जाएगा तो चला जाएगा स्कूल। यहाँ स्कूल काहे नहीं बना अभी तक? नहीं बना, पैसा के कारण नहीं बना। मैडमों ने कमी कुछ, आप सब ने कमी। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ सर। कितने के बच्चे जाते हैं पढ़ने? तो दोनों पर डे विद्यालय चले जाते हैं? हाँ सर। अरवल जिला की स्थिति इस तरह की है कि यहाँ पे इसी तरह के 46 विद्यालयों को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सर, नवसर्जित विद्यालय को भवन के अभाव में दूसरे जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पे भवन है, तो सरकार के किस रूल के तहत ऐसा हो रहा है? ऐसा है इस तरह की बात कि जहाँ पर भवन नहीं है, भवनहीन है, तो कम से कम यही स्थिति है कि बच्चे सफ़र नहीं करें और बगल के जो नज़दीक हो उस विद्यालय में शिफ्ट पैक कर दें, ताकि बच्चे सफ़र नहीं करें जब तक कि बिल्डिंग तैयार नहीं रहता है। और मैं ऐसा स्कूल को देखा है कि उसका उसकी ज़मीन है, लेकिन पैसे के अभाव में, जैसे पैसे भी नहीं आए हैं, इसके अभाव में बिल्डिंग अभी नहीं बन पाया है, लेकिन उस बच्चे को हरासमेंट नहीं होने दिया जा रहा है और बच्चे बगल के नज़दीक के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और मध्याह्न भोजन का भी लाभ उठा रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए अरवल के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर साहब के मोबाइल नंबर 94-312-78-852 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इस विद्यालय का भवन बन सके और यहाँ के बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। मैं एस एम जफर, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया ऑन हट के लिए।